गुड मॉर्निंग बेटा पहले तो बोलो ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑनलाइन में चलो अब सबसे पहले समझो सब्जेक्ट आपका पहले तो मुझे ये बताओ ग्रुप वन में डीटी पढ़ा है पढ़ा हुआ है ना सबका कोई ऐसा जिसने डीटी नहीं किया पढ़ रहे हैं पढ़ा हुआ लगभग सेम है क्लियर आप देखो डीटी बहुत ज्यादा वाज था अगर अपन किसके कंपैरिजन में देखेंगे आईडीटी आईडीटी कम टाइम में हो जाता है ये तो नहीं बोलूंगा कि एफर्ट्स भी कम लगेंगे एफर्ट्स उतने ही लगेंगे लेकिन आईडीटी आपका स्कोरिंग है अब वो स्कोरिंग कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा सबसे पहले सब्जेक्ट का अपना अपने को फंडा क्या रखना है बेटा मैंने मान लो वन एंड हाफ आवर पढ़ाया आपको घर पे जाके क्या करना है जो लेक्चर में प्रिपेयर हुआ है उसको प्रिपेयर करना है थ्योरी सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल एक बताओ फिर तुम लोग डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो सुबह सुबह कि सर दोनों है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है थ्योरी सब्जेक्ट है तो तुम्हारा ही रिप्लाई सही था इसका सीधा फंडा है जितनी थ्योरी पढ़ोगे उतने प्रैक्टिकल स्ट्रोंग होंगे जितने प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे उतनी थ्योरी स्ट्रांग होगी मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ थ्योरी पढ़ो काम चल जाएगा मैं ये नहीं बोल सकता खाली प्रैक्टिकल करो काम चल जाएगा मॉड्यूल रेफर करोगे यस yes. आईडीटी का पूरा पेपर पूरा पेपर मॉड्यूल से कवर होता है और मॉड्यूल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं अब मॉड्यूल पढ़ने का मेथड कैसा रहेगा मैं आपको तीन वॉल्यूम्स दूंगा वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू जीएसटी और कस्टम कंबाइन वॉल्यूम थ्री में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्योंकि ट्वेंटी मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं तो अपन वहां से सेफ हो जाएंगे ट्वेंटी में से मिनिमम अपने सेवेंटीन एटीन करेक्ट होना चाहिए फुल मार्क्स मिल जाएंगे फिर एटी नंबर का पेपर है उसको कैसे टैकल करना बाद में देखेंगे तो थ्योरी में हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा क्यों थ्योरी में हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा उसका सिंपल रीजन ये रहेगा क्यों क्योंकि पेपर में एम सी क्यू रहते हैं और एम सी क्यू में आपको क्या चाहिए एक्यूरेसी और एक्यूरेसी कब आएगी जितनी आप थ्योरी पढ़ोगे पढ़ने की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी मान लो मैंने चैप्टर वन नोट से पूरा पढ़ा दिया आपको मेरे साथ पूरा चैप्टर वन नोट से प्रिपेयर करना है फिर एक रीडिंग का एक ही करना है मॉड्यूल मॉड्यूल में कुछ नया मिलता है आप मुझे बताओ सर आपने ये नहीं पढ़ाया है मॉड्यूल में ये दिया हुआ है ऐसा होगा नहीं इनकेस अगर होता है तो आप बिल्कुल फ्रीली मेरे को बोलो कि सर मॉड्यूल में ये टॉपिक कवर है आपने नहीं कवर कराया तो हो सकता है मैंने किसी दूसरे चैप्टर में कंप्लीट कराया होगा क्लियर दूसरी चीज अपने नोट्स बनाओगे भाई मेरी आपसे क्या रिक्वायरमेंट है आपको दो कॉपीज बनाना है एक कॉपी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंटेशन मैटर करेगा कि नहीं यस क्यों सब्जेक्टिव पेपर है मार्क्स जितने प्रॉपर वे में आप वर्किंग नोट्स के साथ बनाओगे उतना अच्छा है कुछ क्वेश्चंस अपन ऑडिट बेसिस पे करेंगे ऑडिट बेसिस इन द सेंस बुक में शॉर्ट और जो कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे उनको अपन जो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें प्रैक्टिकल कॉपी में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कॉपी में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए और एक बनाएंगे book. मैं batch end क्या करना है एक 250 पेजेस की फेयर कॉपी बनाना है जितने भी चैप्टर्स हैं जीएसटी के मैं सारे आपको शॉर्ट में ओन हैंड रिटर्न ये कब काम में आएंगे वापस समझना है? ये कब काम में आएंगे जब

तो आपको कुछ नया मिलेगा उसको नोट करना है क्लियर आपका अटेम्प्ट कब है जून क्यों? अपना बैच ही, ही पूरा क्या रहेगा अपडेटेड क्या जीएसटी में हर चैप्टर में अमेंडमेंट है नहीं जिस चैप्टर में अमेंडमेंट रहेगा वो अमेंडमेंट अपन नोट्स में रेड कलर में मार्क करेंगे उससे होगा क्या हमारे अमेंडमेंट अलग से रेडी रहेंगे कौन से अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आए नहीं थे और फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एप्लीकेबल है क्लियर अब पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न कैसा रहता है मैं इस पर नहीं जाऊंगा आपको किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन और फॉल्स भी आ सकते हैं एमसीक्यू भी आ सकते हैं क्लियर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यही रहेंगे ना टाइप्स अगर पूरा पेपर एमसीक्यू रहता तो मैं क्या बोलता खाली एमसीक्यू पैटर्न है यहाँ पे पैटर्न कैसा है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है ना तो थ्योरी क्वेश्चन तो मिलेंगे अब थ्योरी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं हो सकता है केस स्टडी बेस्ड दे दे तो आपको करना क्या है पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर करना है मॉड्यूल में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अब मॉड्यूल कब पढ़ना है ये मैटर करता है मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद अपन एक लेक्चर ही का एक रखा करेंगे मॉड्यूल मैं आपको बोल दिया करूंगा कि कल नोट्स लेके नहीं आना है मॉड्यूल लेके आओ क्लियर मॉड्यूल अपडेटेड है इंस्टीट्यूट का अपडेटेड अगर नहीं भी आया है तो हमें मालूम है अमेंडमेंट्स क्लियर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टिक नोट्स क्या बोल रहा हूं मैं स्टिक नोट्स जो भी रेलेवेंट लगता है मॉड्यूल में अपने को ऐसा लगता है कि रिवाइज करना इसको मालूम होना चाहिए वहां पे स्टिक नोट चिपका दिया या पेज फोल्ड जो भी मेथड आप करते हो क्लियर क्या एक्सपेक्टेशन है आपके कितने दिन में सब्जेक्ट होना चाहिए कंप्लीट एंड हाफ से थ्री मंथ लगता है सब्जेक्ट टू आपकी स्पीड अगर आपको सारा याद आता रहेगा तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पुराना अगर वॉश होता जाएगा तो मैं वापस क्या करूंगा पुराना पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको पुराना भूल गए तो मैं आगे चलता जाऊं हर चैप्टर एक दूसरे से क्या रहेगा कनेक्टेड क्लियर और कोई आपकी क्वेरी शुरू में स्पीड अपन स्लो रखेंगे धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे हाँ चलो मैं अभी आपको सिलेबस बता रहा हूँ सी एम इंटर ग्रुप टू का पेपर है सब्जेक्ट का नाम क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर नंबर इलेवन अब देखो सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने बायफरगेट कैसे किया है इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट बायफरगेट कैसे किया है फुल मार्क्स टोटल कितना है हंड्रेड पासिंग कितना है फोर्टी अपन फोर्टी के लिए नहीं पढ़ेंगे आज से अपने को दिमाग में क्या रखना है पासिंग ही कितना है सिक्सटी फोर्टी के लिए क्या फाइट करना है क्या कि सर फोर्टी लाना है बोलो तो मैं भी घर जाता हूँ आप भी घर जाओ तो दो तीन अटेंट में ऐसे आ जाएंगे अपने को किस चीज के लिए पढ़ना है सिक्सटी तो आज से अपना पासिंग कितना है सिक्सटी सब्जेक्ट दो इसमें डिवाइड है कितने इसमें डिवाइड है दो फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम क्या बोलेंगे जीएसटी ये कितने मार्क्स का है एटी मार्क्स का है और इधर से कस्टम लॉ ये कितने मार्क्स का है ट्वेंटी कुछ छोड़ने का सोच रहे हो क्या सर ये टॉपिक छोड़ देंगे प्रोफेशनल एग्जाम का एक ही फंड है जो टॉपिक छोड़ के जाओगे एग्जाम में वही आएगा जो टॉपिक छोड़ के जाओगे एग्जाम में वही आएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है क्लियर अब ये बाइफर्गेशन मैंने दिया है मॉड्यूल के हिसाब से नोट्स में मैंने अलग रखा है अभी मैं आपको मॉड्यूल सबसे पहला चैप्टर आपका क्या रहेगा इंट्रोडक्शन इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर होगा वॉट इज जी एस टी इंड टेक्स क्यों आया ओल्ड स्ट्रक्चर क्या था न्यू स्ट्रक्चर क्या है सारी हिस्ट्री पास प्रेजेंट और फ्यूचर पूरा कवर हो जाएगा सेकेंड चैप्टर मॉड्यूल में क्या दिया है लेवी एंड कलेक्शन वॉट इज लेवी इंपोज करना कलेक्ट मतलब रिकवर करना थर्ड क्या बताएगा टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई अब सप्लाई क्या होता है आगे के लेक्चर्स में अपन डिस्कस करते जाएंगे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सी एम ए में इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम क्या बोलते हैं आई टी सी शॉर्ट में इसके बाद एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन जीएसटी कलेक्ट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है तो वो प्रोविजन में दिए रहेंगे रजिस्ट्रेशन इस चैप्टर में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी मैं फिर बोल रहा हूँ ये दिमाग से निकाल दो सर ये थ्योरिटिकल चैप्टर है कि प्रैक्टिकल चैप्टर है हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे पूरे सेक्शंस कवर करेंगे तो हमसे सारे प्रैक्टिकल बनेंगे इसके बाद इनवॉइस तो ना इनवॉइस अपन कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो सामने वाला इनवॉइस देता है फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इसके बाद अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स कौन कौन से अकाउंट्स रखना है जीएसटी में मेंटेन करना जरूरी है कौन से रिकॉर्ड्स होना चाहिए जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है पेमेंट ऑफ टैक्स जैसे इनकम टैक्स में था ना एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है टीडीएस टीसीएस इसी तरह जीएसटी कैसे पे होता है फिर जीएसटी में भी आपको टीडीएस टीसीएस मिलेंगे लेकिन याद रखना ये इनकम टैक्स वाले टीडीएस टीसीएस नहीं है ये किसका टीडीएस टीसीएस है जीएसटी का टीडीएस टीसीएस है क्लियर इसके बाद आपने जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा तो डायरेक्ट टैक्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ना किसको रिटर्न फाइल करना है आई टी आर वन आई टी आर टू ना रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले इसी तरह जीएसटी में भी मंथली रिटर्न भी है क्वार्टरली रिटर्न भी है हाफ ईयरली रिटर्न भी है और ईयरली रिटर्न भी है इसके बाद मैचिंग कांसेप्ट क्या होता है छोड़ो जीएसटी ऑडिट किसको ऑडिट कराना है किसको ऑडिट नहीं कराना है फिर एक कांसेप्ट आता है ईवे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल तो टोटल चैप्टर्स कितने हो गए 13 क्लियर पर ये क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से है मॉड्यूल अब इसमें एग्जिबिशंस भी कवर हो जाएंगे बहुत सारे जब आप नोट्स में देखोगे तो नोट्स में चैप्टर्स आपको ज्यादा देखेंगे कुछ चैप्टर्स को मैंने क्या करके रखा है ब्रेक करके रखा है बाकी और कोई भी चेंज नहीं किया है क्लियर मॉड्यूल पूरा कवर है फिर आपका आता है कस्टम्स लॉ कस्टम्स में ट्वेंटी मार्क्स तो पहला चैप्टर क्या रहेगा बेसिक कंसेप्ट हर एक्ट में अपने को पहले बेसिक पढ़ना है उसके बाद कितने टाइप की ड्यूटीज हैं फिर आपको क्या मिलेगा वैल्यूएशन जीएसटी में भी बेटा क्या है वैल्यूएशन है और कस्टम में भी आपको क्या पढ़ना है वैल्यूएशन पढ़ना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है पूरा डिटेल में प्रोसीजर नहीं है शॉर्ट में दिया हुआ है फिर कस्टम के कुछ रूल्स अपने सिलेबस में है तो टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने चैप्टर्स रहेंगे कस्टम्स में पांच चैप्टर्स क्लियर तो टोटल कस्टम्स कितने मार्क्स का है ट्वेंटी मार्क्स ये हम देखेंगे बीच में कर लेंगे सबसे लास्ट में करेंगे और जीएसटी टोटल कितने मार्क्स का है एट्टी क्लियर छोड़ना कुछ भी नहीं है आप जब मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है तो मैंने क्या करके रखा है चैप्टर्स को इनिशियली ब्रेक करके रखा है क्लियर मैं सीक्वेंस पे नहीं चलूंगा मैं फर्स्ट चैप्टर लूंगा उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा इजी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे लिखना है कैसे थ्योरी याद करना है प्रेजेंटेशन क्या रहेगा क्लियर क्या क्या देखेंगे वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू में अपन क्या कवर करेंगे पूरा इंडायरेक्ट एक्स एंड कस्टम पूरा इंडायरेक्ट एक्स एंड कस्टम और वॉल्यूम थ्री क्या रहेगी एमसीक्यू वॉल्यूम थ्री क्या रहेगी एमसीक्यू वॉल्यूम नंबर फोर वॉल्यूम फोर आपको बनाना है ये क्या कहलाए गए समरी बुक और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या मेंटेन करोगे थ्योरी ये थ्योरी में मैं क्या कवर करूंगा चार्ट्स ये थ्योरी में मैं क्या कवर करूंगा चार्ट्स ये थ्योरी में मैं क्या कवर करूंगा सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स ये चार्ट्स अपन कब यूज करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन के टाइम क्लियर इसका साइज 200 200-250 पेजेस मतलब पूरा जीएसटी दोनों वॉल्यूम का आपको मर्ज करके कितने इसमें लेके आना है टू पेजेस में हो जाएगा हर चैप्टर के बाद क्या करना है दो पेजेस स्किप करना है क्यों स्किप करना है कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम नोट डाउन करेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे क्लियर हुआ कैसे पढ़ना है चलो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन अभी सब्जेक्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आएगा डायरेक्ट छोड़ दो इनडायरेक्ट छोड़ दो सबसे पहले अपने को क्या मालूम होना चाहिए वॉट इज टैक्स तो सबसे पहले टैक्स क्या है टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है क्या है फाइनेंशियल मतलब चार्ज, चार्ज है कौन सा चार्ज है फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी रिलेटेड टू मनी और यहां पर सबसे मेन क्या नहीं है कंसिडरेशन नहीं है वॉट इज कंसिडरेशन समिंग इन रिटर्न टैक्स में समथिंग इन रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है तो तीन चीजें ही आपको याद रखना है वॉट इज टैक्स टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट सेकेंड फाइनेंशियल चार्ज और थर्ड सबसे मेन नो कंसिडरेशन वॉट इज कंसिडरेशन वॉट इज कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन और एक और वर्ड क्या था क्विड प्रो क्यू आपने लॉ में पढ़ा होगा वॉट इज कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न इस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन और एक और वर्ड क्या था क्विड प्रो क्यो तो क्लियर हुआ हम इन डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले वर्ड हमने क्या पकड़ा टैक्स वॉट इज टैक्सरी पेमेंट फाइनेंशियल चार्ज और थर्ड क्या है कोई भी कंसिडरेशन नहीं है टैक्स एक लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है किस वर्ड से डिराइव किया गया है लेटिन वो लेटिन वर्ड क्या कहलाता है टैक्सो वो लेटिन वर्ड क्या कहलाता है टैक्सो क्लियर कौन लेवी कर सकता है मैं लगा सकता हूं क्या टैक्स नहीं टैक्स सिर्फ कौन लेवी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टैक्स कौन लेवी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी क्लियर हुआ इनकम टैक्स कौन लेवी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पहले महाराष्ट्र वैट करके था एक टैक्स महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स कौन लेवी करेगा

तो सबसे पहले सिंपल मीनिंग हम क्या देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स चालू किया है इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला वर्ड क्या पकड़ा टैक्स वॉट इज टैक्स टैक्स इज अ अंपल्सरी पेमेंट सेकेंड कौन सा चार्ज है फाइनेंशियल चार्ज है और थर्ड सबसे मेन नो कंसिडरेशन क्लियर टैक्स कौन लेवी कर सकता है लेवी करना मतलब इंपोज करना कौन इंपोज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड और वो लैटिन वर्ड क्या है टैक्सो क्लियर इनडायरेक्ट टेक्स में अपने को इतना तो मालूम होना ही चाहिए बोलो इसमें कोई डाउट इधर ऑनलाइन में इस पेज पे बेटा कोई डाउट जल्दी कोई डाउट क्लियर अब एक वर्ड आता है टैक्स और फीस एक वर्ड क्या आता है टैक्स और फीस टैक्स भी कंपलसरी पेमेंट है फीस भी कंपलसरी पेमेंट है टैक्स भी कंपलसरी पेमेंट है फीस भी कंपलसरी पेमेंट है क्लियर टैक्स में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और फी में सबसे मेन काय की रिक्वायरमेंट है कंसिडरेशन फी में काई की रिक्वायरमेंट है कंसिडरेशन टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन पे करना ही है और फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन कोचिंग में जो पे करते हैं दैट इज वॉट दट फीस क्यों फीस आपको सर्विसेज मिल रही हैं रेलवे में रिजर्वेशन फीस उसके बदले में रेलवे आपको सीट देता है तो टैक्स क्या है कंपलसरी पेमेंट है फीस भी क्या है कंपलसरी पेमेंट है लेकिन दोनों में फर्क क्या है दोनों में फर्क क्या है टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन फी रिक्वायर्स रिक्वायर्सिडरेशन वॉट इज कंसिडरेशन बार बार आएगा ये वर्ड समथिंग इन रिटर्न प्राइस प्राइस पेड पेड फॉर फॉर और थर्ड उसका लीगल वर्ड क्या था क्विड प्रो क्यू क्विड प्रो क्यू क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया इसे नोट नोटवोट नहीं करना सिर्फ दिमाग में मालूम होना चाहिए कि क्या है अभी दो एक दिन में कंटिन्यू रिवाइज कराऊंगा तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा अब मुझे बताओ गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस इनकम है कि रेवेन्यू है चलो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम अरे बाबरे नहीं बिल्कुल सिंपल वे में बता गलत भी वो चलता है नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना जो इतना डर रहे हो इतना सोच रहे हो एग्जांपल तो के फॉर्म में बता अच्छा मुझे जो फीस मिलती है ये इनकम है कि रेवेन्यू है जो मुझे फीस मिलती है वो मेरे लिए इनकम है कि रेवेन्यू है रेवेन्यू रेवेन्यू में से मैं जब एक्सपेंसेस माइनस करूंगा रेवेन्यू में से मैं क्या माइनस करूंगा एक्सपेंसेस। तो जो बचेगा वो क्या है इनकम सेल्स रेवेन्यू है कि इनकम है रेवेन्यू रेवेन्यू में से मैंने सारे खर्चे माइनस कर दिए इनकम क्लियर उस इनकम पे जो मैं पे करूंगा दैट इज इनकम टैक्स गवर्नमेंट को गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट के लिए क्या है सोर्स ऑफ इनकम की सोर्स ऑफ रेवेन्यू भाई गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है डायरेक्ट टैक्स से भी कलेक्ट करती है और इनडायरेक्ट टैक्स से भी कलेक्ट करती है गवर्नमेंट वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसके अलावा भी बहुत सारे काम है बट अपने को यह मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है सोर्स ऑफ इनकम की सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से कलेक्ट होता है सर कुछ पार्ट डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है कुछ पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है सर गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए सबसे पहले गवर्नमेंट आज अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च करती है तो इसके लिए उसको क्या चाहिए रेवेन्यू तो वो ये रेवेन्यू पब्लिक से कलेक्ट करती है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस तो दो टैक्सेस लगाती है फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इज डायरेक्ट टैक्स सेकंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। फिर सोशल वेलफेयर सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है डिफेंस पे पैसा खर्च करती है हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है और यहां मैंने क्या बोला एक्सेट्रा कई सारी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है तो पैसा स्पेंड करने के लिए उसको पैसा चाहिए तो ये रेवेन्यू वो कहा से कलेक्ट करती है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस तो इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस में क्या क्या आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स टैक्स और इनडायरेक्ट मेजर कौन सा है इनडायरेक्ट टैक्स अपना कौन सा है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स आज भी हमारा क्या है माइनर सोर्स ऑफ रेवेन्यू अपन डिफरेंस में पढ़ेंगे क्लियर तो वाई टैक्सेस अगर मैंने आपसे सिंपल पूछा वाई टैक्सेस गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लेवी करती है सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो कलेक्ट करती है किस फॉर्म में कलेक्ट करती है डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए तो उसका सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट डिफेंस हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा क्लियर अब समझ में आए टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं कोई भी कंट्री को अगर डेवलप करना है उसके पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए चीजें करना है तो गवर्नमेंट के पास फंड्स होना चाहिए रेवेन्यू होना चाहिए वो रेवेन्यू कहां से आएगी इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस कौन कौन से टैक्स इंपोज कर सकती है गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स बोलो क्लियर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स माइनर सोर्स ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स हाँ जी कोई डाउट पक्का क्लियर फिर से बता रहा हूं सबसे पहले अपन ने क्या देखा सब्जेक्ट में वॉट इज टैक्स टैक्स क्या है एक कंपलसरी पेमेंट है उसके बाद कौन सा चार्ज है फाइनेंशियल चार्ज और टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड और वो लेटिन वर्ड क्या है टैक्सो टैक्स tax कौन लेवी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी ये भी अपन देखते जाएंगे हाँ टैक्स और फीस सेम है कि डिफरेंस है डिफरेंस है टैक्स भी कंपलसरी पेमेंट है फीस भी कंपलसरी पेमेंट है टैक्स नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फीस कंसिडरेशन कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग समथिंग इन रिटर्न प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन और एक और क्या था क्विट प्रो क्यू एक और वर्ड क्या था क्विट प्रो क्यू गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों इंपोज करती है सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशन डिफेंस एक्सेट्रा क्लियर कितने फॉर्म में गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो कितने फॉर्म में टैक्सेस लगा सकती है दो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर चलो ऑनलाइन में कोई डाउट यहां तक ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट फास्ट रिप्लाई दो ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट यहां तक चलो अब टैक्स काय पे लगता है सबसे पहले बताओ टैक्स लेवी कौन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी क्लियर है टैक्स काय पे लेवी हो सकता है सबसे पहले टैक्स काय पे लेवी हो सकता है इनकम पे जो इनकम पे लेवी होगा वो क्या कहलाएगा इनकम टैक्स और इसे हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे लेवी होगा वो क्या कहलाएगा इनकम टैक्स इसे और हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट टैक्स जो आप ऑलरेडी ग्रुप वन में पढ़ चुके हो इसके बाद टैक्स काय पे लग सकता है प्रॉपर्टी टैक्स काय पे लग सकता है प्रॉपर्टी तो वो टैक्स क्या कहलाता है प्रॉपर्टी टैक्स अपने काम का या अपने सिलेबस में नहीं है थर्ड जो इंडायरेक्ट टैक्स है जिसे हम क्या बोलते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स पे भी लग सकता है सर्विसेज पे भी लग सकता है और बोथ गुड्स पे भी लग सकता है सर्विसेज पे भी लग सकता है और बोथ वापस समझना गुड्स पे भी लग सकता है सर्विसेज पे भी लग सकता है और बोथ जिसे हम क्या बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक और टैक्स होता है इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट जिसे हम क्या बोलते हैं कस्टम ड्यूटी व्हाट इज कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगेगा कुछ गुड्स इंडिया में आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को क्या देना है कस्टम ड्यूटी इंडिया से कुछ गुड्स को आप क्या क्या कर कर रहे हो? कर रहे हो हो एक्सपोर्ट तो आपको क्या देना है कस्टम ड्यूटी तो ये हमारा स्ट्रक्चर है तो अपन सीएमए ग्रुप टू में सिर्फ दो चीजों को कवर करेंगे सबसे फर्स्ट क्या रहेगा जीएसटी और सेकंड क्या रहेगा कस्टम्स जीएसटी किस पे लग सकता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ गुड्स और सर्विसेज और बोथ क्लियर और दूसरा क्या क्या कवर करेंगे कस्टम्स कस्टम में क्या आ जाएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस कौन लेवी कर सकता है कौन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टैक्सेस काय पे लेवी हो सकते हैं इनकम पे लग सकता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसके बाद प्रॉपर्टी पे लगने वाला वो क्या कहलाएगा प्रॉपर्टी टैक्स फिर क्या रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स क्या होते हैं सर्विस क्या होते हैं सब आपका सिलेबस में है इसके बाद कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी के ऊपर है इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी के ऊपर है इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट भाई टैक्स कौन पे करता है अगर हम पे करेंगे तो क्या कहलाएंगे नेचुरल पर्सन हम पे करेंगे तो क्या कहलाएंगे नेचुरल पर्सन आप लोग पे करते हो टैक्स कौन कौन से एक एक करके बेटर फूड टैक्स कौन सा होता है वो तो खत्म हो गया hmm. बोलते जाओ लेकिन इधर नेक्स्ट बेटा बाद में नोट करना हाँ रोड टैक्स इधर नाम 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 सर्विस टैक्स तो गया खत्म प्रॉपर्टी टैक्स मैंने आप भी पढ़ा है मेरे मेरे रिप्लाई मेरे को दे रहे आप कोई भी गुड्स परचेस करोगे ना तो उस पर आप देखो अभी लगा आता है सी प्लस एस होटल में जाओगे बिल बन के आता है उसमें क्या लिखा रहता है सी प्लस एस कुछ जगह लिखा रहेगा आई वही सब चीजें अपन इंडायरेक्ट टैक्स में कवर करेंगे तो सबसे पहले टैक्स किसके ऊपर लग सकता है नेचुरल पर्सन अपन लोग किस कैटेगरी में आएंगे नेचुरल पर्सन और दूसरा टैक्स कौन पे करता है अदर देन नेचुरल पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन में कौन आ जाएगा फॉर्म कंपनी ये सब काय में आ जाएंगे अदर देन अदर देन नेचुरल पर्सन क्लियर चलो वापस में एक बार फास्ट रिवाइज करा रहा हूं जो लेट आया वो देखो सबसे पहले अभी देखो मैंने क्या पढ़ाया वॉट इज टैक्स टैक्स इज आ कंपल्सरी पेमेंट सेकेंड क्या है फाइनेंशियल चार्ज और यहां पे काई की रिक्वायरमेंट नहीं है कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है टैक्स एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम क्या है टैक्सो टैक्सेस कौन कौन लेवी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी क्लियर इसके बाद टैक्स और फीस सेम थिंग है कि डिफरेंट है बहुत बड़ा डिफरेंस है टैक्स भी कंपलसरी पेमेंट है फीस भी कंपलसरी पेमेंट है टैक्स और फीस में डिफरेंस क्या है टैक्स रिक्वायर्स नो कंसिडरेशन फी रिक्वायर्स कंसिडरेशन मतलब सर्विस मिलेगी तभी आप पेमेंट करोगे इसके बाद वाई टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस क्या है सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वेलफेयर डिफेंस एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो भी खर्च स्पेंड करती है उसके लिए उसको रेवेन्यू चाहिए वो रेवेन्यू कहां से आएगी टैक्सेस के फॉर्म में कितने फॉर्म के टैक्सेस हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स कितने फॉर्म के टैक्सेज हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स किसके ऊपर लेवी होता है नेचुरल पर्सन और अदर देन नेचुरल पर्सन लेवी ले के ऊपर होता है इनकम के ऊपर जो लगता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर जो लगता है वो क्या कहलाता है प्रॉपर्टी टैक्स फिर नीचे वाला क्या है इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और दूसरा क्या है कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी और दूसरा क्या है कस्टम क्लियर ये पूरी टैक्स की कहानी हो गई अब वहां पे एक वर्ड हमने पढ़ा था ग्रुप वन में डायरेक्ट टैक्स मेरी इनकम है मुझे ही टैक्स पे करना है मेरी इनकम है मुझे ही टैक्स पे करना है तो ये टैक्स क्या कहलाता था डायरेक्ट टैक्स फिर एक वर्ड नया क्या आ गया इन डायरेक्ट टैक्स अपन मोबाइल लेते हैं मोबाइल पे सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स मालूम कौन पे कर देता है मैन्युफैक्चरर फिर मैन्युफैक्चरर वो प्राइस के साथ किससे रिकवर करता है होलसेलर होलसेलर किससे रिकवर करता है इन डायरेक्ट टैक्स प्राइस में ही इंक्लूड होके आता है इंक्लूड होके आता है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज काय में इंक्लूड होके आता है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसीलिए क्या कहलाता है इन डायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया टैक्स वर्ड की कहानी बता दी अब वर्ड क्या है इन डायरेक्ट टैक्स पेट्रोल सबसे पहले पेट्रोल पे टैक्स पे कौन पे करता है मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर किससे रिकवर करता है होलसेलर होलसेलर किससे रिकवर करता है रिटेलर रिटेलर किससे रिकवर करता है कंज्यूमर हम लोग काय में आ गए कंज्यूमर इसीलिए टैक्स क्या कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर इनडायरेक्ट क्यों है पे कोई और करता है रिकवर किसी और से किया जाता है पे कोई और करता है रिकवर किसी और से किया जाता है इसीलिए टैक्स क्या कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर तो अपने सिलेबस में दो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं फर्स्ट वन इज जीएसटी और सेकंड वन इज कस्टम सर जीएसटी का पर लगेगा गुड्स और सर्विसेज और मोबाइल सॉरी गुड्स और सर्विसेज और बोथ मोबाइल काय में, में? Goods, repair, का आएगा गुड्स में कि सर्विस में गुड्स मोबाइल रिपेयर सर्विस मोबाइल रिपेयर काय में आएगा आपने कार परचेज की गुड्स कार रिपेयर सर्विस मैकेनिक के पास कार सुधरवा रहे हैं सर्विस तो जीएसटी काय पे लगेगा गुड्स पे भी लग सकता है सर्विस पे भी लग सकता है और दोनों कंपोनेंट पे भी लग सकता है गुड्स पे भी लग सकता है सर्विसेज पे भी लग सकता है और बहुत कस्टम पे लगेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कस्टम काय पे लगेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्लियर तो उसे हम क्या बोलेंगे कस्टम ड्यूटी आने वाले लेक्चर में मैं आपको यह भी पढ़ाऊंगा कि टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है नया वर्ड आ गया ना जीएसटी टैक्स है और कस्टम में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं ड्यूटी क्लियर चलो अब सबसे पहले आप अपने नोट्स में चार्ट नंबर फर्स्ट नोट करोगे टाइप ऑफ टैक्सेस हेडिंग डालना चैप्टर वन introduction चैप्टर वन का नाम क्या है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी चैप्टर वन का नाम क्या है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी चैप्टर वन का नाम क्या है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी यहां पे आप सबसे पहले अपना चार्ट ड्रॉ करेंगे जो मैं आपको स्लाइड के फॉर्म में दिखा रहा हूं हेडिंग क्या आएगा टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऐसे सारे चार्ट्स आपके थ्योरी बुक में ही बनेंगे क्लियर ऐसे सारे चार्ट्स आपको काय में ड्रॉ करना है थ्योरी सबसे फर्स्ट बेटा बोर्ड पे देखते जाओ बाद में नोट करना मैं आपको टाइम दूंगा सबसे फर्स्ट क्या आएगा टाइप ऑफ टैक्सेस दो टाइप के टैक्सेस हैं फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले इनकम टैक्स इनकम टैक्स के ऊपर इंपोज होता था टैक्स ऑन इनकम 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 नहीं टोटल टोटल ग्रॉस निकालते थे डिडक्शन माइनस करते थे जो इनकम आते थे दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम उस पर हम क्या पे करते थे टैक्स और फिर दूसरा आपका टैक्स था वेल्थ टैक्स जिसे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने एबोलिश जिसे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल नहीं है इसके बाद दूसरा जो अपना काम का टैक्स है में दो चीजें हैं फर्स्ट वन इज जीएसटी गुड्स एंड टैक्स और दूसरा क्या है कस्टम ड्यूटी जीएसटी का लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जीएसटी में पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा सप्लाई सप्लाई क्या होता है चैप्टर ही है सप्लाई क्या है ये अपने को काय में दिया हुआ एक चैप्टर पूरा की सप्लाई में क्या क्या आएगा तो जीएसटी किस चीज पे लगता है सप्लाई किस चीज का सप्लाई हो सकता है गुड्स सर्विसेज और बोथ और इसके बाद क्या रहेगा कस्टम ड्यूटी व्हाट इज कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया में कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो या इंडिया से कोई भी गुड्स आप क्या कर रहे हो एक्सपोर्ट तो आपको क्या पे करना है कस्टम ड्यूटी क्लियर क्या पे करना है कस्टम ड्यूटी तो टैक्सेस कितने वे में क्लासिफाई हो गए दो वे में क्लासिफाई हो गए डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अगेन दो इसमें क्लासिफाई है फर्स्ट वन इज जीएसटी और सेकंड वन इज कस्टम जीएसटी का पे लगेगा सप्लाई किस चीज का सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ कस्टम का के ऊपर लगेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नोट डाउन करो तुम लोगों को क्लियर कोई डाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगेगा कस्टम सप्लाई पे जीएसटी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सप्लाई क्या है सप्लाई के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा चार लेक्चर्स में सप्लाई कवर होता है तो सोचो तो कितना डेप्थ में होगा कितने लेक्चर्स में चार लेक्चर्स में ये आपका आ गया चार्ट नंबर टू ये अपन कल नोट करेंगे अब यहाँ मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं ध्यान देना हा? क्या लिखा है मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर और ये हम कब की बात कर रहे हैं बिफोर जीएसटी जीएसटी अभी आया है इससे पहले क्या होता था तो ये अपने को मालूम होना मस्ट है क्लियर ये मेरा आज का सेकंड पॉइंट रहेगा जो मैं अपनी फेयर कॉपी में नोट करूंगा फर्स्ट में हमने क्या नोट किया टाइप ऑफ टैक्सेस सेकंड में क्या नोट करेंगे बिफोर जीएसटी क्या एक्टिव कौन कौन से टैक्सेस लगते थे तो सबसे पहला समझो बिफोर जीएसटी में क्या था अगर आप क्या कर रहे हो मैन्युफैक्चर क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो अदर देन अल्कोहलिक लिकर क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो अदर देन अल्कोहलिक लेकर इसके अलावा कुछ भी चीज इंडिया में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको पहले क्या लगता था सी ई डी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी भी कौन करता था सेंट्रल गवर्नमेंट और कलेक्ट भी कौन करता था सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर मतलब ओल्ड स्ट्रक्चर में सबसे पहला टैक्स पे लगता था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है अदर देन अल्कोहलिक लिकर अदर देन अल्कोहलिक लिकर क्या लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरा पैसा किसके पास जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट फिर सेकंड आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो अल्कोहलिक लिकर क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो ऊपर क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे अदर देन अल्कोहलिक लिकर यहां क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो अल्कोहलिक लिकर तो यहां क्या लगता था डी -E क्या लगता था डी स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेबिड बाय स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब पहले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी पहले कोई भी ओल्ड स्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी तो उस पर क्या लगता था एक्साइज ड्यूटी सर एक्साइज ड्यूटी कितने टाइप की हो गई दो टाइप की एक्साइज ड्यूटी हो गई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी

अदर देन एल्कोहलिक लिकर मैनेज हो रहा है मैन्युफैक्चर हो रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये नया स्ट्रक्चर था कि ओल्ड स्ट्रक्चर था ये ओल्ड स्ट्रक्चर ओल्ड स्ट्रक्चर मतलब आफ्टर जीएसटी कि बिफोर जीएसटी बिफोर जीएसटी नोट डाउन करो Thank you. क्लियर ओल्ड स्ट्रक्चर क्लियर हुआ बिफोर जीएसटी क्या फंडा था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे क्या इंपोज करती थी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कितने टाइप के एक्साइज ड्यूटी थी बेसिकली दो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस चीज के ऊपर लगते थे मैन्युफैक्चर अदर देन अल्कोहलिक लिकर मैनुफैक्चर अदर देन अल्कोहलिक लिकर इस पर ड्यूटी लगाने का पूरा लेवी करने का राइट किसके पास था सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट भी कौन करता था सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद स्टेट एक्साइज ड्यूटी काय पे लगते थे मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लेकर तो स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलती रहती थी लेवी कौन करता था स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट भी कौन करता था स्टेट गवर्नमेंट क्लियर लेवी कौन करता था स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट भी कौन करता था स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस कौन कौन लेवी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी लेवी कर सकती है और लोकल अथॉरिटी भी लेवी कर सकती है एक एग्जाम्पल बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी कर सकती है अभी देखो ओल्ड स्ट्रक्चर में दिख रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एक्साइज ड्यूटी लोकल टैक्सेस कौन लगाता है लोकल गवर्नमेंट लोकल टैक्सेस कौन लगाएगा लोकल गवर्नमेंट लोकल टैक्सेस कौन लगाएगा लोकल गवर्नमेंट क्लियर चलो आज इतना ही रहने दो अब कुछ दिखा रहा हूं ध्यान से देखना पहचाना पहचाना दिख रहा है कुछ है ना इसको बहुत अच्छे से पहचानना है आई के लिए बहुत अच्छे से हा पूरा पेपर आपका कायमे से कवर होगा मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए क्लियर मैं हर चैप्टर में नहीं बोलूंगा आपको मॉड्यूल पढ़ना मॉड्यूल पढ़ना कंपलसरी है अभी रिवाइज एडिशन इंस्टीट्यूट की साइट पे कौन सा दला हुआ है ओल्ड सिलेबस के लिए जनवरी 2022 क्लियर अभी नया आया नहीं है ये भी अगर आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लिया तो काम चल जाएगा लैपटॉप में से नहीं पढ़ना है हार्ड कॉपी प्रिंट चाहिए कस्टम्स कितने मार्क्स का है ट्वेंटी और जीएसटी कितने मार्क्स का है एट्टी ट्वेंटी का रेशियो है पहला चैप्टर क्या आएगा कवर करेगा इंट्रोडक्शन क्लियर पहला चैप्टर क्या आएगा कवर करेगा इंट्रोडक्शन तो मान के चलना सिक्स टू एट क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ कौन सा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद जैसे मान लो मंडे फॉर एग्जांपल अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया सैटरडे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया संडे टाइम मिला तो संडे आप क्या करना मॉड्यूल जब मैं मंडे क्लास लूँगा ना तो मैं मंडे नया चैप्टर चालू नहीं करूंगा मैं क्या चालू करूंगा मॉड्यूल तो मॉड्यूल में मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी नोट्स में से पढ़ा चुका हूँ मॉड्यूल में मैं आपको टिक कराते कर जाऊंगा ये अपने नोट्स में है ये अपने नोट्स में है ये टॉपिक नोट्स में नहीं है तो वहां क्या करना है स्टिक नोट मार्क करना है या ऐसे भी कोई टॉपिक आएंगे कि मॉड्यूल में यहाँ पे दिए मैंने अपने नोट्स में किसी और चैप्टर में इंसर्ट करके रखा है तो मैं मैंशन करा दूंगा क्लियर फिर मॉड्यूल के पीछे हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो अपन ऑडिट बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे सर इसका ऐसा होता है कुछ रीजनिंग है एम दिए हैं वो सारा कवर करेंगे लेकिन अपन बेस किस लेके चलेंगे मॉड्यूल क्लियर पूरा आई का पेपर कहाँ से कवर हो जाता है मॉड्यूल से इसलिए मॉड्यूल आपका सबसे मेन रेफरेंस मटेरियल रहेगा इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट है क्या बिल्कुल नहीं जो मेरे नोट्स रहेंगे वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू उसमें सी इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चंस हैं सी के भी हैं और सी के भी हैं तीनों प्रोफेशनल एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर है वो प्लस मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है और आपको समरी नोट्स बनाना है ओन हैंड रिटन कितने पेजेस में कंप्लीट करना है मतलब पूरा जो 650 पेजेस का मॉड्यूल है इसको हमें कितने इसमें ब्रेक करना है 200 से 250 पेजेस में ये आपको कब काम में आएगा एग्जाम के टाइम जो रिवाइज करते हो ना वन डे बिफोर उसमें काम में आएगा क्लियर हर चैप्टर के बाद दो पेजेस स्किप करना है कुछ नया पॉइंट आपको याद आता है उसको नोट डाउन करने का क्लियर चलिए आज इतना ही कल स्टार्ट करेंगे अपन आगे का स्ट्रक्चर क्लियर दो से तीन दिन अपन अभी बेसिक करेंगे फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन डन ou qualquer query चलो बाकी कल आठ बजे आज के लिए इतना ही